हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप सब कैसे हो? आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो देखो, निकेत अभी सो रहा है, उसका साइड में मैं बात करूं क्या? नहीं, वही सोच रही थी मैं। और देखो, अभी धीरे धीरे बात करना पड़ेगा। आज का ब्लॉग ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो पे बने रहना। निकेत किसके तरह दिखता है वो भी बताई हूँ मैं ब्लॉग में। तो अभी तो सो रहा है, अभी नहाने का भी टाइम हो गया। अभी 11:30 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखो, थोड़ा सा बात करते ही निकेत ना जाग गया, मतलब उठ गया। और वो ना ज़्यादा गहरा नींद नहीं सोते, बहुत ही थोड़ा सा भी बात करो ना, साइड में आवाज़ करो तो तुरंत जाग जाता है। ऐसे ही वो हमेशा से ऐसे ही है। तो बस देखो, अभी उठ गया, अभी नहाने का भी टाइम हो गया। चलो अच्छा हुआ, नहा भी देंगे अभी। तो अभी गुस्सा में है लग रहा है। मेरा सुनो को बहुत प्यार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। खाली प्यार करो, खाली प्यार करो मेरे सुनो को। देखो मेरे दादा, उसको मॉर्निंग की भी कंप्लीट करना और इसको साइड में भी बात करूँगी तो उठ जाएगा फ्रेंड्स। तो भी रखती हूँ, बाद में बात करके उसको नहलाना भी है, अभी टाइम भी बहुत हो गया। मेरा सुनो के साइड में बात करने से क्या कहे, क्या कहे? नींद हो गया। हम लोगों को हाय बोलो, हाय बोलो। फिर लोगों हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हटाओ, ऐसे ऐसे हटाओ। हाय बोलो, हाय बोलो, दिखाओ हाथ, दिखाओ। हाय बोलो, हेलो 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 बोलो, हेलो बोलो। मेरे सुना बेटा अभी नहाएगा, अभी टाइम हो गया नहाने का। हेलो बोलो, हेलो बोलो। देखो इसका नाटक, देखो आजकल निकेत कार्टून देखना सीख गया, कार्टून देखता है अकेले से। ऐसे फोन नहीं पकड़ पाते है, लेकिन देखता है फिर भी। मम्मी हेलो बोलो। हंस नहीं रहा है मेरा सोना, मेरा सोना क्यों नहीं हंस रहा है, क्यों नहीं हंस रहा है, क्यों नहीं हंस रहा है? मेरा सोना क्यों नहीं हंस रहा है, क्यों नहीं हंस रहा है? मेरा सोना बेटा, निकेत ओ निकेत, हेलो बोलो, हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो, हेलो फ्रेंड्स बोलो। वो नींद से अभी भी उठे ना, तो मतलब कुछ सोच रहे होंगे कि मतलब ऐसे ना हंसता है वो नींद से उठने के बाद ही, तो आज नहीं हंस रहा है तुरंत। देखो चुपचाप शांत है एकदम, कैमरा देख रहे हैं ना, कैमरा पे ही बस देख रहे हैं। फोकस कैमरा पे, फोकस। देखो तो फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है एक बात कमेंट पे, निकेत को किसके तरह दिखता है, निकेत का फेस कैसा दिख रहा है, उसका पापा पे गया है या मम्मी पे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा मेरे को। और देखो हंस रहा है कुछ तो सोच रहे होंगे, तो ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ऐसे मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ, मैं तो सोचती हूँ उसका पापा पे गया है, लेकिन कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरे तरह भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि वो किसके ऊपर गए हैं, मतलब किसके तरह दिखता है उसका फेस, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। देख 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 उधर, देख उधर, देख देख कैमरे में, देख कैमरे में, देख इधर देख। जरूरी है हाथ डालना मुंह में, जरूरी है क्या? बस करो बस करो बस करो, हो गया हो गया हो गया। दिख रहा है मतलब मेरे शक्ल से मैच हो रहा है कि नहीं, बताओ? कमेंट में बताना किसके तरह दिखता है निकेत, जरूर बताना। अभी मैं खा रही हूँ कटहल, पक्का कटहल। देखो
पका कटहल अजीब सा नरम हो जाता है और अजीब सा नाल नाल टाइप का दिखता है। देखो तो कटोरे में बहुत सारा है और मैं बाबू को देने के लिए जाऊंगी, ऊपर काम कर रहे हैं तो देखो। और साथ में क्या है, लीचू। लीचू भी मुझे ना लीचू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलो मैं भी खाऊंगी और बाबू को भी खिलाऊंगी और काम कर रहे हैं ऊपर, तो चलो चलते हैं ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर के रूम पे बाबू काम कर रहे हैं। कटहल के अंदर को जो बीच के साइड में रहता है ना, ये वाला फेंकना चाहिए, लेकिन बाबू को ना साफ करके खाना नहीं आता है, ऐसे ही खा लेते हैं। देखो ये देखो अंदर का, नहीं फेंकने से ना, ज्यादा खाने से ना दर्द करता है, पेट दर्द करता है। मेरा बाल काफी लंबा हुआ ना। काफी लंबा हुआ। तो फ्रेंड्स ये जो लीचू है ना, ये काफ़ी टेस्टी है, मीठा भी है, क्योंकि ये सीजन में ना एक ही बार होता है, ऐसे गर्मी के सीजन में मिलता है ऐसा लीचू। और पूरा साल भर तो लीचू खाने का अगर मन करे तो लीचू का जो जूस मिलता है वही खाओ खरीद के। तो बस ये देसी मतलब लीचू का कुछ अलग ही मज़ा है ऐसा ओरिजिनल, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और मीठा भी है। तो बस अभी लीचू खा रही हूँ। किसको किसको लीचू पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे लिए लाते हैं बाबू लीचू खरीद के। और देखो यहाँ पे ना माँ वो जो हम लोग का सब्जी के सब्जी लगाए थे, आप लोगों को तो पता ही है, मैं पहले भी दिखाई हूँ। देखो ये जो है वो पुई भाजी, पुई भाजी का साग, और ये देखो पपीता वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे। एक खट्टा भाजी लगाए है माँ, और मिर्ची का, मिर्ची भी लगाए है, मिर्ची का पौधा देखो हुआ है। तो अभी ना माँ इसको साफ कर रहे, वो मतलब घास हुआ है ना बहुत ज़्यादा, ये देखो इधर साइड में पूरा साफ कर दिया ऐसे, बस अभी थोड़ा सा ही बचा है यहाँ पे। और देखो ये आलू, जो मिट्टी के नीचे जो आलू होता है ना, उसी का दो हुआ है ऐसे ना। बाबू को ये सब पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो देखो घास उठा के ना इधर रख दिया साइड में, उसको फेंक देंगे दीदी। तो ये देखो वो जो है ना छोटा छोटा पत्ता दिख रहा था, वो है थनकोनी साग बोलते हैं हम लोग, थनकोनी बोलते हैं उसको, वो भी अच्छा लगता है। और देखो थोड़ा सा हुआ है, और पपीता भी हुआ है एक, एक नहीं दो तीन जार में हुआ है पपीता, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भी नहीं हुआ। तो इधर देखो पुदीना का, पुदीना पत्ता है ये बहुत सारा, ये पूरा पुदीना ही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो हरा भरा। इसको भी साफ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत घास तो उतना नहीं है, लेकिन पुदीना तो ज़रूरी होता है, पुदीना बहुत अच्छा रहता है घर में रहना, और मतलब ख़रीदना भी नहीं पड़ता है, बहुत सारा पुदीना हुआ है देखो। और इधर ना प्याज लगाए थे तो वो उठा रहे माँ, और इधर ना मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब है इसीलिए ना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है प्याज, देखो प्याज का साइज़ काफ़ी छोटा छोटा है। तो ये सब्जी वगैरह जो भी लगा रहे हैं ना माँ, ये बाबू को पसंद नहीं है, बाबू मना करते थे लगाने के लिए, लेकिन मैं और माँ माँ लगाते हैं फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि जगह है, मिट्टी भी है, ऐसे मिट्टी तो अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जगह है तो लगाने में क्या है, तो ऐसे थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।